एक ऐसे प्लगइन्स का यहाँ पे आज हम रिव्यू करेंगे जो कि प्रोडक्ट को डिस्प्ले कराने का काम करती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एलिमेंटर में हमने इस प्रोडक्ट को डिस्प्ले कराया हुआ है, बट इसमें कुछ प्रॉब्लम है कि आप इस ये जो टाइटल है, इस टाइटल को आप शॉर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। और इमेजेस जो है, इमेजेस का आप साइज़ यहाँ पे कंप्लीट यह कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। और भी इसके अलावा यहाँ पे अगर लोड मोड पे क्लिक करेंगे तो ये प्रोडक्ट जो है वो लोड नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये सब प्रॉब्लम है एलिमेंटर में, और इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आज हम आप सबके लिए एक न्यू प्लगइन्स के बारे में हम इस वीडियो में हम बात करेंगे, जिसमें कि ये दोनों प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा, और साथ साथ में ही आप लोगों को इस तरह का एक अच्छी डिज़ाइन करके प्रोडक्ट को डिस्प्ले कराया जाएगा। आपका वूकॉमर्स में प्रोडक्ट हो या फिर आपका ये ब्लॉग पोस्ट हो, तो आप किसी भी चीज़ को आप अपनी वेबसाइट पे आसानी से ये डिस्प्ले करा सकते हैं। फिर चाहे आपका अमेज़ॉन एफिलिएट का वेबसाइट हो या फिर ब्लॉगिंग की वेबसाइट हो, कोई भी वेबसाइट हो, कोई भी प्रोडक्ट हो, कोई भी पोस्ट हो, आप उसको आसानी से डिस्प्ले करा सकते हैं। सो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अगर आप लोग हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और एंड द एंड वीडियो अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। जब आप यहाँ पे ये प्लगइन सेक्शन में आएंगे और ऐड न्यू प्लगइन पे आप क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आपको एक प्लगइन डाउनलोड करना पड़ेगा जिसका नाम है कंटेंट व्यू। इस प्लगइन का मेरे पास फ्री और प्रो दोनों वर्जन्स हैं, और दोनों वर्जन्स का फीचर इस वीडियो में हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उस प्लगइन को यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको लिखना है कंटेंट व्यू। जैसे आप यहाँ पे कंटेंट व्यू यहाँ पे आप टाइप करेंगे तो आपके सामने फर्स्ट प्लगइन यहाँ पे आ जाएगा। इसे आप एक बार इंस्टॉल कर लीजिए, देन इसे एक्टिवेट कर लीजिए। जैसे ही आप इस प्लगइन को इंस्टॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर इसका एक सेक्शन आपको दिख जाएगा, कंटेंट व्यू प्लगइन का, ठीक है। तो आपको सबसे पहले इस पे आपको हावर करना है, और हावर करने के बाद यहाँ पे आपको व्यू ऑल पे क्लिक करना है। व्यू ऑल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एक कैंपेन को सेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको यहाँ पे ऐड न्यू कैंपेन को आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको उस कैंपेन का नाम डालना पड़ेगा जिसका आप यहाँ पे कैंपेन बना रहे हैं। सपोज दैट हम यहाँ पे एक पोस्ट डिस्प्ले नाम का एक यहाँ पे टाइटल का नाम यहाँ पे डाल देते हैं। आप यहाँ पे कोई भी नाम डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम पोस्ट को यहाँ पे डिस्प्ले कराएंगे। और अब यहाँ पे क्या ये क्या बोल रहा है कि यहाँ पे आपको सबसे पहले ये जो है ये खाली है, इसको आपको एज इट इज़ रहने देना है। और उसके बाद यहाँ पे आपको लिमिट पूछ रहा है, मतलब एक पेज पे आप कितनी पोस्ट को डिस्प्ले कराना चाहते हैं, ठीक है। तो अभी फिलहाल बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे 10 है, तो हम एज इट इज़ इसको यहाँ पे रहने देते हैं। इसको आप यहाँ पे घटा बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे एडवांस में आपको यहाँ पे कैटेगरी का ऑप्शन आता है, स्टेटस का ऑप्शन आता है, सॉर्ट बाय कीवर्ड ऑथर। अब जिस किसी के माध्यम से यहाँ पे आप प्रोडक्ट को यहाँ पे डिस्प्ले कराना चाहते हैं उसको आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, कैटेगरी वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे हम यहाँ पे कैटेगरी वाले ऑप्शन पे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, सेलेक्ट टैक्सोनॉमी में आपको यहाँ पे कैटेगरी को सेलेक्ट करना है। आप चाहें तो टैग से भी यहाँ पे अपनी पोस्ट को डिस्प्ले करा सकते हैं, बट यहाँ अभी हम कैटेगरी से यहाँ पे डिस्प्ले कराएंगे। तो कैटेगरी पे आने के बाद यहाँ पे अब आपसे पूछेगा कि किस कैटेगरी के प्रोडक्ट को आप डिस्प्ले करा सकते हैं। यहाँ पे आप चाहें तो सिंगल कैटेगरी के प्रोडक्ट को भी डिस्प्ले करा सकते हैं, अगर आप चाहें तो यहाँ पे मल्टीपल कैटेगरी के प्रोडक्ट को भी आप यहाँ पे डिस्प्ले करा सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट आइटम्स के अंदर में आपको यहाँ पे कैटेगरी को यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो अभी मेरे वेबसाइट में सिर्फ बुक नाम का एक कैटेगरी बना हुआ है, तो अभी हम फिलहाल उसी कैटेगरी को यहाँ पे डिस्प्ले कराते हैं, और बुक नाम का जो कैटेगरी है। आप चाहे तो एक से दो कैटेगरी का अगर आप प्रोडक्ट डिस्प्ले करना चाहते हैं तो उसका आप यहाँ पे नाम को सेलेक्ट करेंगे। जितने भी यहाँ पे कैटेगरी का नाम आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, उन सभी कैटेगरी के प्रोडक्ट आपके वेबसाइट पे डिस्प्ले होगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए हम यहाँ पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, और सेव पे क्लिक करने के बाद एक बार हम इस जो हम यहाँ पे पोस्ट लाए हैं
उसको हम एक बार डिस्प्ले कराते हैं। तो इसको आप इस पोस्ट को डिस्प्ले कराने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो है इस शॉर्टकट को आपको यहाँ पे कॉपी करना है। शॉर्टकट को आपको यहाँ पे कॉपी करने के बाद अब आपको क्या करना पड़ेगा, एक पेज यहाँ पे हम एक नया पेज बना लेते हैं। आप चाहें तो इसे आप होम पेज पे भी आप डिस्प्ले करा सकते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पे ऐड न्यू पेज के सेक्शन पे आपको यहाँ पे एक पेज यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ पे एक पेज का आपको यहाँ पे नाम देना है। आप चाहें तो इसे होम नाम का भी पेज बना सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पे लिखते हैं पोस्ट डिस्प्ले नाम का एक हमने यहाँ पे ये पोस्ट बनाया हुआ है। और इसके अंदर में हम यहाँ पे प्लस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे शॉर्ट कोड। जैसे आप शॉर्ट कोड यहाँ पे टाइप करेंगे तो शॉर्ट कोड का विजिट आ जाएगा। अब इसको जो आपने शॉर्ट कोड को वहाँ पे कॉपी किया था उस शॉर्ट कोड को यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे आपको पब्लिश पे क्लिक करना है। देन पब्लिश पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको इसको एक बार हम व्यू और पोस्ट भी यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ पे व्यू पोस्ट पे क्लिक करेंगे तो गाइस आप देख सकते हैं वो पोस्ट जो है यहाँ पे वो डिस्प्ले हो चुका है उसी कैटेगरी का। अब चलिए हम चलते हैं इसका थोड़ा सा यहाँ पे सेटिंग करते हैं, देखते हैं इसमें इस प्लगइन में ये जो फ्री वाला प्लगइन है इस प्लगइन में कितना यहाँ पे फीचर दिया गया है। ठीक है, तो अभी हम फिर से जाएंगे यहाँ पे कंटेंट व्यू में और यहाँ पे जाएंगे ऑल व्यू करेंगे और इसे एक बार यहाँ पे एडिट करेंगे। और एडिट करने के बाद अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्प्ले सेटिंग में जाएंगे। तो डिस्प्ले सेटिंग में यहाँ पे जाने के बाद आपको यहाँ पे 3 से 4 ऑप्शन ही आपको यहाँ पे मिलते हैं। तो अगर आप चाहें तो गाइड के रूप में आप इसको डिस्प्ले करा सकते हैं या फिर आप इस फॉर्मेट में, मतलब एक तरफ आपका इमेज दिखे, उसके बाद आपका टाइटल दिखे और उसके बाद आपका कंटेंट दिखे, तो आप उस फॉर्मेट में भी डिस्प्ले करा सकते हैं या फिर इस फॉर्मेट में भी आप डिस्प्ले करा सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, अभी हम पोस्ट को डिस्प्ले करा रहे हैं तो अभी हम इस फॉर्मेट में यहाँ पे डिस्प्ले कराते हैं और इसको हम देखते हैं कि ये किस प्रकार से यहाँ पे दिखता है। ठीक है, तो रिस्पॉन्सिव रॉ टेबल, मतलब ये पूछ रहा है कि जैसे कि अभी हमने डिस्प्ले कराया हुआ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक टेबल के अंदर में 2 पोस्ट यहाँ पे डिस्प्ले हुआ है। तो वही यहाँ पे ये पूछ रहा है कि एक टेबल के अंदर में आपको कितनी यहाँ पे प्रोडक्ट को डिस्प्ले कराना है। तो अभी फ़िलहाल के लिए हम यहाँ पे 2 प्रोडक्ट को ही यहाँ पे डिस्प्ले कराएंगे। तो अभी हम फिलहाल क्या करेंगे, यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि आपको क्या क्या चीज़ यहाँ पे डिस्प्ले कराना है। थंबनेल का मतलब दोस्तों ये होता है कि ये आपसे पूछ रहा है कि इस इमेज को आपको डिस्प्ले कराना है या फिर नहीं कराना है। ठीक है, और शो टाइटल, मतलब टाइटल का मतलब दोस्तों यहाँ पर ये होता है कि ये जो आपका टाइटल है इस टाइटल को आपको डिस्प्ले कराना है या फिर नहीं कराना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं और यहाँ पे शो कंटेंट के अंदर में आपको यहाँ पर ये जो कंटेंट आपको दिख रहा है इस कंटेंट को आपको डिस्प्ले कराना है या फिर नहीं कराना है, आप यहाँ से इसको देख सकते हैं। और देन उसके बाद इसको हम यहाँ पे एक बार अपडेट करते हैं और अपडेट करके यहाँ पे अपनी वेबसाइट को यहाँ पे हम एक बार यहाँ पे इसको रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, तो अभी आप देखेंगे तो ये वेबसाइट जो है कुछ इस प्रकार से यहाँ पे आपको दिखेगा, ये जो इमेजेस हैं इस तरह से यहाँ पे आपको दिखेगा और ये आपका स्लाइडर के फॉर्म में रहेगा जो कि काफ़ी बेकार है। इसका इमेजेस भी यहाँ पे अच्छी यहाँ पे नहीं आ रहा है, तो हम थोड़ा सा इमेजेस का यहाँ पे रिसर्च करने का प्रयास करते हैं। इमेज ये आपसे पूछ रहा है तो इमेज को हमेशा आप यहाँ पे फुल विड्थ में रखिए। ठीक है, ये इमेज को फुल साइज में रखने का क्या फ़ायदा होता है, ये हम थोड़ा सा इसको हम डिस्प्ले कराते हैं और इसको आप देख सकते हैं अभी जो ये इमेज है ये यहाँ पे ब्लर दिख रहा है। ठीक है, तो इसको हम एक बार यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं और रिफ्रेश करने के बाद आप देख सकते हैं ये इमेज की जो क्वालिटी है वो क्वालिटी यहाँ पे 100% आ चुकी है। ठीक है, तो ये इमेज का इसी प्रकार से यहाँ पे क्वालिटी है। तो आप इस तरह से यहाँ पे इस डिस्प्ले यहाँ पे पोस्ट को डिस्प्ले करा सकते हैं और भी देखते हैं क्या क्या सेटिंग्स है। तो यहाँ पे हमने फुल इमेज यहाँ पे देख लिया है। अब ये पूछ रहा है डिसेबल रिस्पॉन्सिव इमेज ऑन वर्डप्रेस, इसको आप यहाँ पे टिक करके रखिए
और इफ़ेक्ट के बारे में पूछ रहा है, तो इसे आप यहाँ पे प्रो वर्जन में यूज कर सकते हैं। और उसके बाद सब टाइटल वगैरह आप इसको इसका प्रो वर्जन में यूज कर सकते हैं। लेजी लोड जो है ये प्रो वर्जन में यूज कर सकते हैं। यहाँ पे कंटेंट पूछ रहा है कि आप जो ये कंटेंट यहाँ पे डिस्प्ले करा रहे हैं, इस कंटेंट को आप यहाँ पर जो है कितने यहाँ पे आप कितने यहाँ पे वर्ड में इसको डिस्प्ले कराना चाहते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे 20 है, तो आप इसे घटा बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप रेड मोड बटन को यहाँ पे ऑन करना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पे रेड मोड का ये बटन है, इसको अगर आप यहाँ पे ऑन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आसानी से ऑन कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे आपको अगर आप यहाँ पे डेट को सेलेक्ट करना चाहते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो डेट है, इस डेट को अगर आप यहाँ पे शो कराना चाहते हैं तो इसको आप टिक रहने दें, अदरवाइज़ इसको अनटिक कर सकते हैं। ठीक है, अब जो ये पूछ रहा है कि ये मतलब पूछ रहा है कि आप जब इस लिंक पे इस रेड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, तो क्लिक करने के बाद क्या ये पोस्ट न्यू विंडो में ओपन हो या फिर इसी विंडो में ओपन हो। ठीक है, तो अगर आप ये अब यहाँ पे न्यू टैब में ओपन करना चाहते हैं तो इसको आप सेलेक्ट करें, अगर करंट टैब में ओपन करना चाहते हैं तो आप इसको सेलेक्ट रहने दें। ठीक है, तो अभी हम न्यू टैब में इसको सेलेक्ट करते हैं और देन उसके बाद यहाँ पे इसको हम यहाँ पे सेव पे क्लिक करते हैं। तो अभी हम इसको यहाँ पे एक बार रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं ये वेबसाइट ये जो प्रोडक्ट है कुछ इस प्रकार से यहाँ पर आएगा। तो ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, तो इसे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको हम जाएंगे डिस्प्ले वाला सेटिंग में और यहाँ पे गाइड टू का हम ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और एक गाइड में हम यहाँ पे चार प्रोडक्ट को यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं और देन उसके बाद यहाँ पे सबको एज इट इज़ रहने दें और यहाँ पे एक बार इसे हम सेव करते हैं। ठीक है, सेव करने के बाद यहाँ पे इसको हम यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे और रिफ्रेश करने के बाद अब आप देख सकते हैं ये जो आपका पोस्ट है, ये पोस्ट आपका कुछ इस प्रकार से यहाँ पे शो कर रहा है। और भी दोस्तों इसके और भी कई सारे फीचर्स हैं जो कि हम ये प्रो वाले प्लगइन में हम यहाँ पे देखेंगे और आप सबको यहाँ पे अगला जो वीडियो हम बनाएंगे जिसमें प्रो प्लगइन का हम यहाँ पे हम चर्चा करेंगे, उस वीडियो में हम आपको इसका जो प्रो प्लगइन है वो हम आपको फ्री में प्रोवाइड कराएंगे। सो गाइज, वो वीडियो का आपको लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप उस वीडियो को आप वॉच कर सकते हैं। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।